दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावरफुल स्टडी चैनल पर। दोस्तों यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा देने वाले हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के छात्र अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आप सभी को पूरी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को किसी गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरीके से सर्च बार में आपको टैप करना है। जितना दोस्तों मैं आपको टैप करके दिखाऊंगा सिर्फ उतना ही टैप करना है, बाकी आपको कोई भी चीज़ें यहाँ पर टैप नहीं करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर देख पाएंगे यूपी MSP, ठीक है, सिर्फ इतना ही आपको टैप करना है, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इतना ही यहाँ पे है। जैसे ही आप टैप करोगे तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद पहली ऑप्शन वाले पे इस पर नहीं आना है दोस्तों, आपको इस पर नहीं क्लिक करना है ना कि दोस्तों, सबसे पहले आपको स्क्रॉल करके आना है नीचे। नीचे आने के बाद तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे एडमिट कार्ड लिखा गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, और इस तरीके से कुछ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों साथ ही साथ आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एडमिट कार्ड पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को आपको पूरा देखना है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि नेट स्लो होने की वजह से इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर पहला पेज जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहां पर पहला जो है ऑप्शन दिखाई देगा कि आपको परीक्षा के प्रकार, तो परीक्षा के प्रकार पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने दो विकल्प आएंगे, दोनों विकल्प में आपको किसी एक पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों क्लिक कर इस पर करना होगा। हाई स्कूल के यदि आप छात्र हैं तो आपको पहले वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा, यदि आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो यहाँ पे सेकंड वाले पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही मैं हाई स्कूल पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि आपको किसी ना किसी एक पर क्लिक करना ही होगा आप सभी का। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को क्या करना होगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना जो चूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सर्च करके भी अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आजमगढ़ यहाँ पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे स्क्रीन पर देख पाएंगे इस तरीके से आ चुका है ऑप्शन, और यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डालोगे। जी हाँ दोस्तों, रोल नंबर यहाँ पे जो आपका रोल नंबर है यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी आप नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं अपना रोल नंबर, ताकि मैं आप सभी का यहाँ पर अगले वीडियो में सर्च करके दिखाऊं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी रोल नंबर नहीं है किसी भी छात्र का, और यहाँ पर कोई भी ऐसे जो रैंडम एडमिट कार्ड का जो नंबर नहीं डाल के चेक कर पाओगे, ठीक है, यानी कि कहीं से भी कोई नंबर आप इसमें नहीं डाल पाओगे। सही नंबर डालोगे तभी आपका एडमिट यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी आप सभी को क्या करना है आगे, आप वीडियो में थोड़ा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आप सभी को एक इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना एडमिट कार्ड एक बार चेक कर लीजिए, यदि नहीं दिखाता है तो आप सभी को बता दें कि आपके स्कूल में 1 फरवरी से एडमिट कार्ड उपलब्ध हो जाएगा। आप सभी को वितरण की प्रक्रिया 1 या 2 फरवरी से शुरू हो जाएगी, तो आप सभी को वहाँ से मिलेगा। यदि दोस्तों वहाँ से मिलने के बाद ही आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अभी 10वीं और 12वीं का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, विद्यालय स्तर पर ही ओपन की गई है वेबसाइट पर, यानी कि विद्यालय वाले जो है अपनी आईडी और पासवर्ड डाल करके एडमिट कार्ड को सभी छात्र छात्राओं को डाउनलोड करके वितरण करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद यानी कि लगभग 5-6 फरवरी तक यह वेबसाइट सार्वजनिक कर दी जाएगी, उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड इसे कोई भी छात्र डाउनलोड कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इस समय कोई भी छात्र छात्रा डाउनलोड नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने इस वीडियो बनाया है कि ताकि आप सभी को जानकारी हो और आप कहीं भी इधर उधर भटकने, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।